नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेले प्रथमे देखिनबा कोन रहिछि वर्तमान रो हेडलाइंस। कोलकाता कोयलाघाटी बिल्डिंग रे अग्निकांड घटना मृत्यु संख्या 9 को वृद्धि मृतकों परिवार को 10 लाख टंकार सहायता घोषणा कले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घटना रे दुख प्रकाश कले प्रधानमंत्री। महामारी में लुट होई श्रमिकों टंका मनरेगा काम नारे मालेमाल होती बीजेडी नेता और विधायक प्रवासी श्रमिकों को धोखा दे राज्य सरकार सूचना अधिकार आईन बल में सामना को आसला मनरेगा योजनार बास्तव चित्र प्रकाश पाला जेई मेन रेजल्ट गौतम दास 99.9% राज्य टपर छ परीक्षार्थी को 100% नंबर फेब्रुआरी 24-26 पर्यंत होता प्रथम सेसन रेजल्ट प्रकाश। रायगढ़ में पुणी गुणी गारेडी संधरे जनों को हत्या मामला पाजुली बंध गांव में 6 जनों को गिरफ्त करी कोचरान करी पुलिस फेब्रुआरी 26 में बुद्ध को हत्या करने पर निया लगाई पोड़ी अभियोग। आवास निर्माण पर मंत्री को गोड़ तले पड़े महिला हेले महिला को अड़ाई चलीगले मंत्री पद्मना बेहरा सुवर्णपुर विनिकार आसला अभावन दृश्य कार्यादेश बंटन वर्षक पर भी घर निर्माण होन करते। झारसुगुड़े नवं गुआ चलाउं कि सरोज घनिष्ठ बंधुता साजिश कि रक्षा कवच डीआरएस को धमकवा पर भी विश्वनाथों विरोध में नो आक्शन कांग्रेस पक्ष उपजिला अफिस् आगे स्वास्थ्यमंत्री पुष्पुतलिका एवं आज श्री लोकनाथों पंक उद्धार एकादशी कोविड कटकणा मध्य पालन हो रीति मंदिर भितर बाहर मुतयन हे 15 प्लाटन पुलिस फोर्स 200 मीटर अंचल को नो एंट्री जोन गंभीरा भितर को प्रवेश। पश्चिमबंगर स्टाण्ड रोड में रेलवे विभाग नुआ कोयलाघाटी बिल्डिंग रे निया लगवा घटना मृत्यु संख्या 9 को वृद्धि पाई बिल्डिंग रो 13 महला रे गतकाली संध्या रे भयंकर अग्निकांड घटीला या को आयत करबा को जाई 4 जन अग्निशम कर्मचारी 2 आरपीएफ ओ जणे एएसआई को मिसाई 9 जनों मृत्यु घटी से परे 2 जन गुरुतर आहत मध्ये होईछंती। कोयलाघाटी बिल्डिंग को रेलवे पक्षरो हाउस ऑफिस भाव व्यवहार कर अग्निशम कर्मचारी आरपीएफ ओ जड़े एसआई परिचय मिलता बेले अग्निकाण्ड प्राण हर अन्य दुई जन परिचय मिल पारिना लिफ्ट द्वारा मृताहत मैंने निआ को आयत्त करने 11 महल में पहुंची इस समय विषाक्त ग्यास संस्पर्श आसी समस्त मृत्यु घटी गतकाली संध्या प्राय 6:10 बिल्डिंग 13 महल में अग्निकाण्ड घटी खबर मिलता 10 दमकल बाहन और रेलवे कर्मचारी निआ को आयत्त करने को चेष्टा करथिले दीर्घ घंटार परिश्रम पर न्यायत को आसीथिला मृतकों परिवार 10 लाख टंकार क्षतिपूरण घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घटना को नहीं दुख प्रकाश करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लूट होई श्रमिकों टंका मनरेगारे काम करिबा नारे मालेमाल होती बीजेडी नेता और विधायक प्रवासी श्रमिकों को धोखा दे राज्य सरकार सूचना आईन बल में मिलता तथ्यरु सामना को आसी राज्य में मनरेगा योजनार बास्तव चित्र कोविड समय रे राज्यर विभिन्न स्थानरु आसीथिबा मनरेगा दुर्नीतिर अभियोग गुडिक उपरे नजर पकाइले स्पष्ट जणापडुछि सेबडे महात्मा गांधी निश्चित कर्मनिजुक्ति योजना रे श्रमिकों बदल रे मेसीन द्वारा काम होइतबा नै अभियोग गणिछन्ति विरोधी। मनरेगा योजन कोटि कोटि टंकार हरिलुट श्रमिकों बदल रे काम करुथिले बीजेडी नेता और ठिकादार को मेसीन सूचना अधिकार आईन रु मिलिथिबा तथ्य अनुसार महामारी कोरोना समय रे मनरेगा योजन होइछि व्यापक अनियमितता केन्द्र ग्राम्य उन्नयन विभाग देखा उत्तर अनुजाई 2020-21 को मनरेगा योजन मिलता 4436 कोटी टंका हेले एही अर्थ जे श्रमिक मानंकु काम करबा पाए मिलिछि ताहा उपरे बे संदेह सृष्टि होइछि। नवंबर 7, 2020 श्रमिकक स्थान रे मेसिन काम करथुवा नै अनुगुल जिला साळखमळ गांरु आसीथिला अभिजोग साळखमळ मसारी पोखरी खनन काम जेसीबी माध्यम रे करा जेबा सह 5 लाख टंका हरिलुट होइथिबा अभिजोग करथिले ग्रामवासी। जुलाई 22, 2020 मयूरभंज जिला रंगडा गांरे मनरेगा योजना रे ड्रेन निर्माण कार्य निम्नमान काम होता नहीं अभियोग आई ग्रामवासी तीव्र असंतोष प्रकाश पाई। अक्टोबर 17, 2020 खोर्धा जिला भजागड़ गांव में
बुढ़ीटांगी ठारू मुक्तेश्वर स्टेशन पर्यंत दुईट रास्ता और तारादेवी ठारू उदयगिरी पर्यंत निर्माण होता तीनोटी रास्ता। रास्ता काम पर 7 लाख टंका व्यय बराद होता बेले रास्ता निर्माण कर श्रमिकों टंका मिल अभोग केवल एत नुहे अभोग फर्द लंबा से ही समय मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट इंडिया हाराहारी 4,400 कोटी टंका देती जदि एत टा दिखे एटा डिमांड ड्रिवन काम एति काम अच्छी राज्य सरकार मागिंट केन्द्र सरकार देते हैं ये टंका कौन खर्च होती सब बड़ प्रश्न एपर्तंत है जो भाव में लोक कम दबंता कम एने दे कम पाइले से पुणी छाड़ा छाड़ी पलिगले बाहर कम करने मनरेगा महादुर्नीति को नहीं राज्य सरकार को काठ गड़ा को टाणी विरोधी मनरेगा जी कम हो सबु काम बीजेडी रो नेता और समर्थक माने करिछंती तांको ठिकादार माने मेसिन लगाई काम करिछंती किंतु श्रम दिवस सृष्टि करिनहाती। मनरेगा योजना रे पाखा पाखी 800 कोटी टंका रो फॉल्स बिल करा जायछि बोली विरोधी अभियोग करिछंती। विरोधी को अभियोग परे जवाब रखिछि बीजेडी राज्य सरकार को पाखरे केते श्रम दिवस सृष्टि करले से कतार तालिका नाही काही कारण जेती की काम होइछि नरेगा रे सबु काम विजु जनता दल शासक दल नेता समर्थक माने नहीं की काम कर पाखा पाखी 800 कोटी टंका हरिलुट कर पल्स बिलिंग करके लाभ किए पाई शासक दल विधायक शासक दल नेता माने लाभान्वित चारिड़े देखिए आप नरगा ना आउ किसी रखी ना फल्स बिल्क नहीं जा सब मेसीन पकईकि जो गुड़ाक रोड कर नई जोड़ से गुड़ाक ताड़ी जो गुड़ा गोचर जमी ताक ताड़ी कोटी पोखरी ना से गदई दे नहीं करी गोटे जहाँ को कहा जाए दुर्नीतिर गंताघर हो जाए। कोरोना को सामना करिवारे प्रवासी मान को सहायता देवारे विजु जनता दल सरकार सारा देश रे एक इतिहास सृष्टि करथला बेले विरोधी दल माने ये कथा को सही पारु नांती विभिन्न बिवृति रखुचंती निजर असहाय अवस्था को लोकलोचन को आंतु। महामारी समय गरीब श्रमिकों को रोजगार जोगाई देवाई केन्द्र सरकार समग्र देश 1,00,000 कोटी टंकार सहायता जोगाई देते हेले लगातार भाव समग्र राज्य आसी मालमाल अभियोग और आरटीआई मध्यम मिली तथ्य ओडिशा रे मनरेगा योजनार बास्तव चित्र उपर परदा हटाई। भुवनेश्वर कविता स्वाई और दिव्यज्योति महांती प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज। प्रकाश पाइला जेई मेन परीक्षा फल ए परीक्षा रे ओडिसा रो गौतम दास 99.9% नंबर रखी राज्य टॉपर होइछंती। जेई मेन परीक्षा एनटीए पक्षरु फेब्रुवारी 24 रु 24 तारीख मध्य रे होइथिला। इंजीनियरिंग रे बैचलर डिग्री एवं बीटेक रे नामलेखा लागि ए प्रवेशिका परीक्षा करा जायथिला। एथिरे प्राय 6,52,000 छात्र छात्री परीक्षा देथिले। प्रथम थर लागि ओडिया समेत इंग्राजी हिंदी गुजराती आसामी बेंगली कन्नड़ मलयालम मराठी पंजाबी तमिल तेलुगु और उर्दू भाषा परीक्षा करा जायथिला। फेब्रुवारी समेत मार्च एप्रिल और मे मास रे बाकुतिबा जेई मेन परीक्षा रे रिजल्ट रो आधार करी श्रेष्ठ छात्र छात्रीन को रैंक प्रकाश पाइबो। जलीगला चलता कार अल्पके बर्तिले चालक एभली घटना देखा मिली। ढेंकानाल तुमुसिंगा थाना कंतियो पुटसाई ग्राम निकट में से ग्रामर सुशांत कुमार पुष्टि निज कारे पंडुआ छकरु निज घर को फेरुथिले। इस समय घर निकट में कार इंजिन रे कोनोसी कारणरु निया लागि जायथिला। फरे से बाहरी आसुथिबा बेले कारटी संपूर्ण पोड़ी जायछि। तबे केउ कारणरु कारटी रे निया लागिला ताहा जणा पड़ी नाही। रायगढ़ रेल स्टेशन 22 महिला दादन श्रमिकों को उद्धार कर आरपीएफ। उद्धार महिला श्रमिकों मध्य 13 जन नाबालिका अच्छा जेआरपी प्राथमिक तदंतर समस्त श्रमिक हैदराबाद अभिमुखे जाता जमापड़ी। घटना आरपीएफ दुई महिला अटक रखी पचराउचरा कर कल्याण सिंहपुर ब्लक अटापाड़ ग्रामर 22 महिला दादन श्रमिकों को नहीं दुई दलाल ट्रेन में हैदराबाद जावाई रायगढ़ स्टेशन में अपेक्षा करते। समलपुर हैदराबाद नागावली एक्सप्रेस स्टेशन में पहुंचा पूर्व आरपीए पुलिस पेट्रोलिंग आरंभ कर। इस समय 22 महिला को नहीं पुलिस सन्देह करने
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ସମସ୍ତ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରେ ଆରପିଏଫ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଦୁଇ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୁଲିସ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲା। ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜିଆରପି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି 13 ଜଣ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ନେହା ସୁଧାର ଗୃହରେ ରଖିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ ମୁଖ୍ୟ। दक्षता विकास प्रतिश्रुति बड़ प्रहेलिका। पांच वर्ष तले सरकार कहते 10 लाख पिला दक्षता विकास करे आत्मनिजुक्ति बाट काढ़े एथिपाई प्रति जिले स्किल डेवलपमेंट सेंटर सह पूरा राज्य में प्रतिष्ठा होता 62 दक्षता विकास केन्द्र। तेज 5 वर्ष पर खुद दक्षता विकास मंत्री सरकार पोल खोली देखा अर्गस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। रायगड़ा कुतुर्गार तीन जन तालीमप्राप्त युवती पी कृष्णाबेणी पी अनुराधा और पी ममिता रायगड़ा सरकारी शिल्प तालीम केन्द्र में वेल्डर भाव तालीम नहीं जन युवती हेले आत्मनिर्भर हेबे कौन एवं गोपाल बापा को सहयोग करुछंती पी अनुराधा अन्य दुई जन भी निजुक्ति पाईना बलांगीर पाटनागड़ बेहरा बंदर आईटीआई छात्र गोपीनाथ थाटी आईटीआई पर दक्षता विकास केन्द्र में तालीम नहीं किंतु निजुक्ति न मिलिबार छोट मोटर बाइंडिंग दोकानटे पर चलाउचंती। बलांगीर जिला नुआपड़ा गाँव शिवा नुआई पाठ पढ़िया परे आशा रखी निजुक्ति मिलिबो बोली निजुक्ति न मिलिबार निजे एबे छोट पान दोकानटे करी चलुचंती। मो सीनियर बैच माने भी ट्रेनिंग नहीं कि 1 ईयर रे तांकर 1 ईयर ट्रेनिंग नहीं चंदे खाली बेकार अछंदे तांके तांकर किछि सुविधा नै आमर भी किसी सुविधा ना बेस आशे जाइलु बड़ आशे कौन ट्रेनिंग ने आमर कौन चाकरी पाकरी लाइफटा टे भल रही से ट्रेनिंग नेला नेलुजे से 1 ईयर वेस्ट होगा गोटे गाई बिजनेस ध्यान देर बिजनेस बढ़ी था 16-17 सर नहीं सर चाकरी बाकी कि नहीं मिलला दुकान टेस सर आजे मेन्टेन कर हेला हरा हरी 8-10 खंडे तापर पॉलिटेक्निक इंस्टिट्यूट हेला पिला गुडा को बेकारी बुझु छथि। एबे देखंतु केमिति चालीची दक्षता विकास केंद्र अनुगुल चंद्रबहाल दक्षता विकास केंद्र रे 2 वर्ष हेब निर्माण काम चालीची। एपटे ए होउची पालालहडा दक्षता विकास केंद्र निर्माण काम सरी गृह उद्घाटन होइची हेले सेतिकरे सीमित अछि दक्षता विकास रो प्रशिक्षण जो माने भी अन्य स्थान रे प्रशिक्षण नेचती सेमन को नियुक्ति मिलुनी। ओ ओपीजेसीसी कम्युनिटी कॉलेज अनुगुल रे अछि जिंदल तरफ रु आईटीआई सेठे नियुक्ति थिबा सार दु जण मु देखाई देले हम छकरे से कहिले एमिति हमर सेंट्रल गवर्नमेंट रो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग चालू जी ट्रेनिंग से नियुक्ति सुविधा अछि आ स्टाइपेंड रो सुविधा अछि मुनो बेकार बसी थी घरे मु तुरंत सर्टिफिकेट ने एडमिशन कर दिली आ 6 मास परे परीक्षा दे भल मार्क रखी पास आउट होती तापर आम को प्लेसमेंट देवाई स्टाइपेंड पेपर बाबद सब पिला तो गले ना आहुत थर 2-3 थर गली स्टाइपेंड दे ना गोटे दुखर विषय आ फासा बल सर्टिफिकेट आ कि फल मिलला ना आयुक्ति सुविधा आ कि दि भी जाए ना। 2016 मसीह सरकार कहते 5 वर्ष भितर 10 लाख पिला दक्षता विकास प्रशिक्षण देवे तेरे एथर विधानसभा दक्षता विकास मंत्री कहते एवं सुधा 96,914 पिला तालीम दि जाता बेले एथु मात्र 26,648 जन को निजुक्ति दि जाए तेरे सबु जिला सदर महकुमा सह राज्य 62 दक्षता विकास केन्द्र निर्माण पर 7,26,00,000 खर्च करता बेले और दक्षता विकास कम परिचा सरकार 115,51,00,000 टका खर्च कर सारी एपटे 10 लाख प्रशिक्षण प्रतिश्रुति पूरण हो सरकार को घेरी विरोधी से कहते तालीम देचु निजुक्ति जीरो आमर ये चंद्रशेखरपुर एरिया पत्रपड़ा बरुण आमर चंदका ये जो इंडस्ट्री सब है किए से निजुक्ति पाई क्या दारुण दुख ओडिया टका बुलूंट
ଚପଲ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ସାଇକେଲ ପଚୁଛନ୍ତି, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ତମେ ଯେଉଁଠି ଆମ ଜମିରେ ନେଇକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିଛ, ଯଦି ଲୋକାଲ ପିଲାଙ୍କୁ ନ ଦିଅ ତାହେଲେ ବିରାଟ ବିପ୍ଳବ ହେବ, ସେତେବେଳୁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବ। ସ୍କିଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ଆଠୁ ଭଳି ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କ'ଣ ଥାଇପାରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଯାହାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଏତେ ଅଧିକା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟେ 31% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା ହୋଇପାରୁନି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ମିଶନ ତିଆରି କରିକିରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକିକିରି ଖାଇବା ଛଡ଼ା ଏଠି ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ରିପୋର୍ଟ ଏ କଥାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଆଜି ଦିନରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର 1 ନମ୍ବର, ଓଡ଼ିଶା 2 ନମ୍ବର। ଆମେ ରୁଷିଆରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଦକ୍ଷତା ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ କନଫରେନ୍ସରେ ଆମେ 3-4 ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ ସେଣ୍ଟର ତିଆରି କରୁଛି, ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 11-12 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳୁଛୁ। କାଲି ଜଣେ ଅର୍ଡିନାରୀ କୁଲି ମୁଲିଆରେ ଜଏନ୍ କଥା ଟ୍ରେନ୍ରେ ସେ ଆଜି ଡ୍ରାଇଭର ହୋଇପାରୁଛି। ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖିବେ, ଆମେ ସେଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। 10 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ କହି 5 ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର 96,000 ପିଲାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ ସୀମିତ ରହିଛି ସ୍କିଲ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷତା। ସେଥିରେ ପୁଣି ମାତ୍ର 26,000 ପିଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସରକାର କାହାର ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କର ନା କିଛି ହାତ ଗଣତି ବାବୁଙ୍କର। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଅଜୟ ରଥ, ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ସାହୁ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଜି ପଙ୍କଧାର ଏକାଦଶୀ। ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପାଳିତ ହେବ ପଙ୍କଧାର। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ। ମନ୍ଦିରଠାରୁ 200 ମିଟର ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଜୋନ୍ କରାଯାଇଛି। ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ସେବାୟତଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ପଙ୍କଧାର ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତେବେ ଗମ୍ଭୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଦର୍ଶନ ଉପରେ କଟକଣା କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷକରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପଙ୍କଧାର ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଗମ୍ଭୀରକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଏହି ସୁଯୋଗ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ହେବ, ସେଠି ପାଖାପାଖି 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ର ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଅର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ପୋଲିସର କାମ ରହିବ ସେଠି ଫେସିଲିଟେସନ୍ର, ଲେକିନ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ସବୁ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି। ତ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଯେଉଁ ବି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ସେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ପୁରା ଫଲୋ କରିବେ, ମାସ୍କ ସବୁ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବେ। ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋକ, ଏ ଯେଉଁ ପଙ୍କଧାର ଏକାଦଶୀ, ଆର ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ? ନିଶ୍ଚିତ ନିବେଦିତା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଏକ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ, ଭିନ୍ନ ଏକ ପରମ୍ପରା ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେହେତୁ ଦିନକ ପରେ ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି, ତା ପୂର୍ବରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହେଉଛି ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ, ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥ, ଏବଂ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ। କହିପାରିବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ସକାଳ 2ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତମାମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ପଦ୍ମନାଭ ତ୍ରିପାଠୀ ଗବେଷକ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗ, ଶୋକ ଆଉ ପାପ ମୁକ୍ତର ଠାକୁର। ଆଜି ପଙ୍କଧାର ଏକାଦଶୀର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି? ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ପଙ୍କଧାର ଏକାଦଶୀ, ଯାହାକି ହେଉଛନ୍ତି ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ। ବର୍ଷକରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ରହିଛି, ସେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଯାହାକି 3:00 ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସହିତ ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଧୂପ ପରେ ସମସ୍ତ କଟକଣା ଭିତରେ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦର ଦର୍ଶନ କଥା ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସେବାୟତ ମାନେ ପଙ୍କ କାଢ଼ିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ମନସ୍କାମନା ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ, ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହୋଇଥାଏ। ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା, ଇଏ ଶରୀରଟା ହେଉଛନ୍ତି ପାପ ପଙ୍କରେ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ, ଖାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ଷ ସାରାରେ ପଙ୍କ ବାହାରୁନି, ଯେ ଆମର ପଙ୍କକୁ ଆମେ କେତେ ଦୂର ଉଦ୍ଧାର କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛେ। ଦିନଟା ହେଉଛି ଏଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଏ,
तार महात्म्यटा हूँ प्रकृत में धर्मशास्त्र अनुसार यही कथा निश्चित निवेदित आम आलोचना करवा आम सहित मैं उपजिलापा जोड़ी भवतरण साहू जी लोकनाथ मंदिर ट्रस्टर अध्यक्ष अच्छा सर कि भाव व्यापक आयोजन चलती कारण अति स्पष्ट दर्शन चलती श्रृंखलित दर्शन चली जो आम नीतिकांति लोकनाथ तार नीतिकांति टाइमली अनुसार सरी जो जो मैंने पंकोद्धार एकादशी से जो सेवायत मैंने निजे से पंकोद्धार करम कर भक्त भक्त मानक भक्त मैंने दर्शन कर पार्टी और शांति श्रृंखला कॉविड्र जो गाइडलाइन अनुसार सोशल डिस्टेंस मेन्टेन कर क्यूरे जाए लोकनाथ महाप्रभु को दर्शन कर जेहतु दिनक पर पवित्र जगर जा प्रशासन पक्ष जगर पर कौन प्रस्तुत कर जगर जात्रा जेहतु हम और कॉविड्र गाइडलाइन जेहतु रही कि माना जाए से आम भर दुकान भितर को एलाउ करूना जो सब दुकान सब रही है लिमिटेड दुकान भितर करेंगे और जो जो मैंने जगर पर रही है से सेफ डिस्टेंस करें गार टणा होकर जो ताको मार्किंग करा से अनुजाई हो महादीप तो राति दुईटा तीन टा पाखापाखि उठवार अच्छी महाप्रभु पंतीखाई लोकनाथ हूँ मंदिर जगन्नाथ मंदिर आसला सब नीतिकांति अनुसार जगर पड़िया बस दीप जाली पारे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लिमिटेड भक्त हूँ रखा कारण ए वर्ष हूँ जेहतु कॉविड्र कटक रही तेणुक दर्शन मान हूँ जो सेफ डिस्टेंस बस पारे से व्यवस्था करश्चित नवेदित आप जहाँ शुणुते कि भाव में गोटे व्यापक प्रस्तुत कर जिला प्रशासन द्वारा जेहतु पवित्र पंक उधार एकादशी आज आज निर्दिष्ट संख्य किसी कॉविड कटक सेवायत मैंने आज जाइंट पंक को महादेव गंभीर भितर का आप जानते जो मार्च मसू संपूर्ण रूपए लकडाउन रही है संपूर्ण श्री लोकनाथ देव मंदिर बंद रही है से जो प्रसाद रही है भक्त मान संख्या जेहतु कमी जाता भक्त मान आगमन नाला लोकनाथ मंदिर बंद रही है से कहीपर जो प्रसाद जो नैवेद्य जो भक्त मैंने अर्पण करते बर्तमान गंभीर भितर बाहर कर निश्चित भाव में आम से ताजा दृश्य टी देखा चाहिए लोकनाथ मंदिर परिसर कि भाव चलचंचल हो उठु जेहेतु लकडाउन पर श्रीमंदिर कहीपर श्री बाबा लोकनाथ मंदिर खोली से जो भक्त साधारण मैंने अच्छा से छुट्टी आ प्रभु श्री श्रीक्षेत्र अधिष्ठित बाबा लोकनाथ पीठ को अति भक्तिपूत मन में निष्ठा मन में आसुच्च महादेव को गंभीर पाखु जा दर्शन कर सानिध्य नौ निश्चित भाव में आम कहीपर निवेदिता भिन्न एक परंपरा आध्यात्मिक परिवेश खेली जाइए तो निश्चित भाव में समस्त मनरे गोटे खुशी वातावरण देखा जेहेतु बाबा लोकनाथ को से दर्शन करते गंभीर पाख को जाए दर्शन करते जेहेतु आम कहीपर करोना लोकनाथ मंदिर दीर्घ दस मस ऊर्ध बंद रही थे से आज समस्त मनरे अहेतुक खुशी समस्ते आसदेव को दर्शन कर गोटे कथा हूँ निवेदित आप जानते दिनक पर जेहेतु पवित्र जगर जात्रा पड़ी जिला प्रशासन तरफ व्यापक व्यवस्था कर निर्दिष्ट संख्यार व्यापक पुलिस फोर्स मुतयन होती कि भाव निर्दिष्ट संख्यार भक्त साधारण मैंने जगर पड़िया दीप जाली से मनस्कामना और मानसिक पालन करेंगे तापर मैं जिला प्रशासन नजर रखी और बड़ कथा हूँ करोना कटक मध्य सामाजिक दूरत्व बजाय रखी कि भक्त साधारण मैंने महादेव दर्शन कर जिला प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्था कर आलोक जिला प्रशासन पक्षर व्यापक व्यवस्था करेतु आज पंकोद्धार एकादशी रही समस्ते आसबे मंदिर बाहर मंदिर बेढ़ प्रभु को दर्शन करेंगे भितर का अनुमति ना जे आम प्रतिनिधि पूरी प्रतिनिधि आलोक आशुतोष आमको अधिक सूचना देते बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आपण सूचना आसवा परवर्ती खबर को सिमिरपाल रे निया लिभिबार ना धरुनी दिनक दिन निया व्यापारे लगी आज सिमिरपाल रे उत्तर जोन में छटी रेंजर बार गोटी अंचल 93 टी स्थान रे निया लगी सैटेलाइट रिपोर्ट रु सूचना मिली तेरे से बरहेपाड़ी रेंज रे 3 बिट गुड़गुड़िया रेंज रे 3 तालबंध रेंज रे 2 केन्दुमुंडी रेंज रे 2 चहला और नौणा रेंज रे गोटे लेखाएं बिट अंचल निया लगी समुदाय 93 टी स्थान रे निया लगी सूचन सैटेलाइट रिपोर्ट रु जमापड़ी निया लिभाइबा वन विभाग सह 4 अग्निशम विभाग टीम सिमिरपाल भितर को प्रवेश कर आज बालेश्वर गोटे 26 जनिया ओड्राफ टीम मध्य नियोजित होती इक्विपमेंट्स अच्छी फॉरेस्ट सर भी कही इक्विपमेंट्स देवे तापर भी पहाड़ उपर निया लिभा गोटे चैलेंज पाठ कि आम यथासाध्य चेष्टा करूँ निया लिभा सिमिरपाल को आज प्रथम आमर अच्छा 26 जन अच्छा ड्राइवर अच्छा हाविलदार 7 जन लांच नाइक जन 16 जन कनेस्टेबल आ ड्राइवर 2 जन
ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟା ଅଛି, ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ପାଠ, ଏଇଟା ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ନିମିତ୍ତ ଅଭୟାନ୍ତ ଏବେ ଅଣାୟତ ଅଛି, ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧୁରିନି ଏବଂ କାଲି ଆମେ ରାତି 8 ବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲୁ ଶିମିଳିପାଳକୁ। ଶିମିଳିପାଳ ଆମେ ଖୁକୁରୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମକୁ ଗଣେଶ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଗଣେଶ ଆଶ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ନାଚୁଣୀ ପାହାଡ଼ ବୋଲି ଅଛି, ସେଠି ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 3 କିଲୋମିଟର ଆମେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଏବଂ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀକୁ ନେଇକି ଚଢ଼ିଥିଲୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ଜଙ୍ଗଲ କିଛି ନିଆଁ ଆୟତ କରିଛୁ। ପାଖାପାଖି 3 କିଲୋମିଟର ହେବ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲିଭେଇଛୁ, ଲିଭେଇକି ରାତି 12:30 ସେଠି ଫେରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଅଣାୟତ ରହିଛି। ଏବେ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ 2 ଟିମ୍ରୁ ଚାହାଲାରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ବରେପାନିରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଫିଲ୍ଡରେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଫାୟାର ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍, ତାପରେ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍ ପିଲାମାନେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନ ରାତ୍ରି ବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କରିକି ଏବେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆମେ ଅଲମୋଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ପାଖରେ ଲାଗିବ ସାର୍ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା କେମିତି କହିପାରିବେ, ବଟ୍ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ଏଇଠୁ କିଛି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।